गुड इवनिंग डियर कस्टमर्स, मैं आपको मोबाइल में आपका अगर कभी हैंग होता है, कभी ज़्यादा तेज़ नहीं चलता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। आप अपने मोबाइल फ़ोन के मेन मेन्यू में जाइए, वहाँ से आप प्ले स्टोर सर्च कीजिए और प्ले स्टोर को ओपन करके आप कोई भी मोबाइल सिक्योरिटी या मोबाइल एंटीवायरस मोबाइल सिक्योरिटी सर्च कीजिए। आपको क्या करना है, मेन मेन्यू में जाके आप ने प्ले स्टोर में गए, आप प्ले स्टोर मेन मेन्यू में गए, प्ले स्टोर में गए फिर और प्ले स्टोर ओपन करके आपने सर्च बार में यहाँ क्या लिखा, मोबाइल सिक्योरिटी एंड एंटीवायरस, और वहाँ से आप इतने सारे जो भी आपको पसंद आए तो मेरे ख्याल से आपको इनमें कोई ना कोई ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, मैंने दो चार एप्लीकेशंस पहले ही डाउनलोड किए, तो इस तरह से मैं आपको डाउनलोड जो कोई एप्लीकेशन है उस पर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ कोई भी आप सिलेक्ट कीजिए, मोबाइल एंटीवायरस सिक्योरिटी, तो इसके बाद आप उसको यहाँ से ओपन करके आप यहाँ इंस्टॉल कीजिए। तो ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, तब उसको आप रन करके अपने फ़ोन में अपने जंक को हटा सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि आप मोबाइल एप्लीकेशन जो एंटीवायरस वाली होगी वो आप कहाँ से लाएंगे। तो इसके अलावा भी जो इस वो जंक क्लियर करेगा, लेकिन जो एप्लीकेशंस में कोई इनबिल्ट होता है ना वो जंक फाइल्स, तो उसको हम सेटिंग्स में भी एक एक करके क्लियर कर सकते हैं। हम सेटिंग्स में जाएंगे, मोबाइल मैंने शॉर्टकट में रखा है, यहाँ सेटिंग्स में जाके हम यहाँ मेरे वीवो वाई 17 फ़ोन में आप मोर ऐप में मोर सेटिंग्स पर जाएंगे। मोर सेटिंग्स के बाद यहाँ आता है आपको अबाउट फ़ोन, एप्लीकेशन मैनेजर, परमिशन मैनेजमेंट, तो बाकी में हम बाकी को छोड़ दीजिए, आप एप्लीकेशन मैनेजर में जाइए। एप्लीकेशन मैनेजर में क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस होगी वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ आ जाएंगी। देखो आपने देख लिया कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये आ गई, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे फिर, तो एक एक करके हम इसमें देख लेंगे कि इसकी स्टोरेज क्या है, और उसमें कैश तो कुछ ज़्यादा जमा मत हुआ है, उसको हम हटा लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं गया अडोब स्कैनर अडोब एरोबॉट में, तो वहाँ मैंने स्टोरेज पर क्लिक करके मैंने देखा इसमें 720 MB टोटल इसकी मेमोरी है, स्टोरेज है, तो कैच 4.62 MB है, तो उसको हमें क्लियर करेंगे। आप देख लीजिए इसमें पहले कितना था, 16.38 KB, लेकिन अभी आपने देख लिया 4.62 MB था, यानी तकरीबन 5 MB मेरे में ये कैच जमा हुआ था। इसी तरह एक एक करके हम कैच को, ये क्लियर डाटा कभी मत करना, अगर आपने क्लियर डाटा किया तो आपकी ये एप्लीकेशन मिसबिहेव करने लगेगी, ठीक तरह से नहीं चलेगी। आपको याद रखना है कि स्टोरेज में जाके सिर्फ आपको क्या करना है, एक एक करके एप्लीकेशंस को जंक ये क्लियर कैच करनी है, ये क्लियर डाटा नहीं करना है। क्लियर डाटा से आपका मोबाइल फ़ोन मिसबिहेव करने लगेगा। इस तरह से आप जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं उनही एप्लीकेशंस में ज़्यादा जाके वहाँ आप क्लियर करेंगे ये कैच मेमोरी, बाकी किसी चीज़ के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि फिर आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है कि ये मिसबिहेव करने लगेगा। इसी तरह यहाँ से भी मैंने 295 KB है, इसमें 16.38 KB होना चाहिए था, लेकिन इसमें 295 आया था, तो ये क्लियर करके हम वापस जाते हैं। इसी तरह आप एक एक करके हर किसी एप्लीकेशन को आप इस तरह कैच मेमोरी इसकी ख़त्म करते हैं, तो इसे आपका मोबाइल हल्का हो जाता है और बैटरी भी बच जाती है। मैंने इससे पहले भी आपको एक स्कैन करने का तरीका बताना था, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि कैच आप क्लियर करेंगे कैसे, इसके अलावा हम अगर कोई मोबाइल सिक्योरिटी आपके मोबाइल फ़ोन में होगी तो आपको इसके लिए फिर से मेन मेन्यू में जाके वहाँ ऊपर सर्च बार आता है, बहुत सारों को ऐसे ही आता है,
कि ऐसे सर्च करना पड़ता है, ऐसे एक एक करके, या विंडो या कोई स्क्रॉल डाउन अप डाउन हो जाता है, तो वहाँ से आप सिक्योरिटी, कोई भी एप्लीकेशन जो आपकी मोबाइल फ़ोन में होगी, तो वो आप सर्च करके उस पर रन कर सकते हैं। मैंने नोवा सिक्योरिटी के लिए मैंने देख लिया कि मैं यहाँ आपको देखता हूँ कि इस तरह से हम स्कैन कर सकते हैं। स्कैन पर क्लिक करके आप देख लीजिए, 2 मिनट में ये स्कैन हो जाएगा। तो ये स्कैन करने के बाद आपकी कैच मेमोरी जो इसमें होगी, तो वो तकरीबन सभी एप्लीकेशंस का वो क्लियर करती है। तो इसके बाद इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, अगर कोई एंटीवायरस, कोई इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, कोई इसमें कोई वायरस होगा, तो वो भी आपको यहाँ दिखाएगा कि ये एक रिस्की एप्लीकेशन है, इसको रिजॉल्व कीजिए। आप क्लिक करके वो मोबाइल फ़ोन्स को डायरेक्टली अनइंस्टॉल करती है, या इसमें जो वायरस होगा तो उसको क्लियर करता है। देखिए, रेड कलर के बाद अब ग्रीन सिग्नल दिखाता है, यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन में ग्रीन सिग्नल है कि अब उसमें कोई फ़ोन बूस्ट में, हम क्या करते हैं, जो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस होती हैं उनको ये फ़ोन बूस्ट करने से ये क्लियर हो जाती हैं। 114 एप्लीकेशन इस वक्त बैकग्राउंड में मेरे फ़ोन में चलती है। देखो, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वो बैकग्राउंड में चलती हैं। हमारी बैटरी कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम स्पीड अप करने के लिए, स्पीड अप पर मैंने क्लिक किया, तो ये एक एक करके उनको बंद कर देगा। इससे आपका फ़ोन हल्का हो जाएगा और आपके फ़ोन में बैटरी टाइम बढ़ जाएगा। और इसके बाद हम सीपीयू, या पहले हम ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन फिर से हमने खुली रखी है, खुली छोड़ी होगी, तो उसको बंद कर देगा। देखिए, इस तरह से बैटरी का भी हमारी कंडीशन गुड आ जाती है। इसके बाद हम इसको सीपीयू कूलर भी करते हैं, कि कभी कभी फ़ोन हीट अप होता है ज़्यादा चलाने से, कभी चार्जिंग प्लग में लगते हुए भी हम फ़ोन चलाते हैं, तो इसी फ़ोन का जो सीपीयू है तो वो गर्म हो जाता है। तो उसको कूल डाउन करने के लिए मैंने सीपीयू कूलर पर भी को ये क्लिक करके उसको भी गुड कंडीशन में लाया। इस तरह आपने देख लिया कि इससे आपका फ़ोन स्कैन हो जाएगा। यहाँ हम एग्ज़िट करेंगे और हम वापस मेन मेन्यू में चले जाएंगे। इस तरह से आपका मोबाइल फ़ोन जो है एक एंटीवायरस से दूर होगा, साफ़ होगा और क्लीन होगा। इसके बाद आराम से आपका फ़ोन हल्का हो जाएगा। ये आपके लिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि तुम आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे ज़रूर, ताकि आपको हम टेक्निकल मदद कभी कभी आप तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह हम राउंड द क्लॉक आपके लिए इस कोशिश में रहेंगे कि आपको टेक्निकल सहायता, चाहे गूगल लिंक पर फॉर्म भरना हो, ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरने की असिस्टेंस हो, कुछ भी हो, तो राउंड द क्लॉक आप कमेंट लिख सकते हैं, या गुजारिश कर सकते हैं, या लिख सकते हैं कि हमें किस चीज़ के लिए आप वीडियो किस तरीके का चाहे, हम इस तरीके का वीडियो आपके लिए बनाएंगे। हम आपको 24 घंटे आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप किसी गुजारिश है, आप इस चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप तक, और इसमें बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। शुक्रिया।